जुनागढ़ जिला में खरीफ सीजननो जीवनदान मळता खेडूतो में खुशी की लहर है। जिला में सार्वत्रिक वरसाद थी हवे आंतरपाकना वावेतरनुं आयोजन शुरू थयुं छे। साथे ज खरीफ सीजन में आ वखते जुनागढ़ना खेडूतो में नवो ट्रेंड जोवा मळ्यो। जुनागढ़ जिल्लाना तमाम तालुकामां आषाढ़ी माहोल छवाता मगफळी अने कपासना पाकने नवजीवन मळ्युं छे। वावणी बाद वरसाद खेंचाता खेडूतोने खातर बियारण अने दवानो खर्च माथे पड़वानी आशंका हती जे मेघराजाए दूर करी छे। अत्यारे कुदरते मेहरबान थईने वरसाद थई गयो छे फर्स्ट क्लास। हवे काई वांधो आवे एवुं लागतुं नथी। वरसाद मोडो थयो तो कपासने मोटुं नुकसान थात, पण अत्यारे कोई जातनुं वांधो आवे एवुं लागतुं नथी। जिला में वर्षो थी मगफड़ी अने कपासनु बहोळा प्रमाण में वावेतर थाय छे। जो कि आ वर्षे खेडूतो सोयाबीननी खेती तरफ वळ्या छे। जिला में 3,24,000 हेक्टर में कुल खरीफ वावेतर थयुं छे, जेमांथी 2,23,900 हेक्टर में मगफड़ी ज्यारे 50,400 हेक्टर में सोयाबीननु वावेतर थयुं छे। 32,545 हेक्टर में कपास, 4,515 हेक्टर में शाकभाजी अने 10,143 हेक्टर में घासचारानु वावेतर थयुं छे। जूनागढ़ जिल्लानी अंदर मुख्यत्वे बात करें तो मगफड़ी और कपास पाकनु वावेतर करवामां आवेल छे, परंतु छेल्ला 2 वर्षथी आ खेडूतोए नवो पाक तरफ नवी दिशानी अंदर वरेला छे। चालू वर्षे जूनागढ़ जिल्लानी अंदर सोयाबीननु लगभग 50,000 हेक्टरनी अंदर सोयाबीननु वावेतर करवामां आवेल छे। राज्य में वरसादी माहौल बराबर जाम्यो छे, त्यारे प्रवासन स्थलों पर कुदरत सोड़े कणाए खीली उठी है। प्रवासीओ कुदरत ने माणवा उमटी रह्या छे तो क्यांक जोखमी दृश्यो पण जोवा मळ्या छे। आ दृश्यो छे डांगना घीरा धोधना। धोधमां पाणीनो प्रवाह तेनी सुंदरतामां वधारो तो करे छे, पण पाणीना प्रवाहने जोता जिल्लामां वरसादना प्रमाणनो अंदाज पण मांडी शकाय छे। भारे वरसादने पगले डांगनी गीरा अने अंबिका सहित चारे नदीओ तोफानी बनता स्थिति सर्जाय छे। गीरा धोधमां नजारो चौमासा दरमियान ज जोवा मळे छे। गीरा धोधना दृश्यो दूरथी मनमोहक छे, पण नजीकथी जोता धोध रौद्र स्वरूपे जोवा मळे छे। दर वर्षे चौमासामां गीरा धोधनो आ नजारो जोवा प्रवासीओ उमटता होय छे, पण आ वर्षे कोरोनानी महामारी अने डांग बंधना ऐलानने पगले घणी ओછી संख्यामां आव्या छे। छोटा उदयपुरना नसवाड़ी में सारो वरसाद थता डोंगरोनु कुदरती सौंदर्य सोड़े कलाए खील्यु छे। नसवाड़ी थी 30 किलोमीटर दूर आवेला धार सीमेल गामे जीवन थयेलो धोध आकर्षणनु केंद्र बन्यो छे। 60 फूटनी ऊंचाई परथी पड़ता धोधने जोवा प्रवासीओ आवी रह्या छे। काचा रस्ता पर चालीने पण प्रवासीओ धोध सुधी आवी रह्या छे। धोधनी आसपास डोंगरो अने खीणोना दृश्यो पोतानामां कुदरतनुं वर्णन करे छे। छेल्ला 10 दिवसथी सतत वरसादने कारणे वलसाडमां तमाम नदी नाळाओ बे कांठे वही रह्या छे। आ दरमियान कपराड़ा अने धरमपुरना जंगल विस्तार पर्यटन माटे लोकोमां आकर्षणनुं केंद्र बन्या छे। डूंगर विस्तारमां हरियाळीनी चादर वच्चे छलोछल जळाशयो अद्भुत नजारो सर्जी रह्या छे। धरमपुरना बीलपुरी गाम पासे आवेलो जोडिया धोध सक्रिय थता पर्यटको અહીં આવી રહ્યા છે। धरमपुर पासे आ बीलपुरी धोध छे अने અહીંયા અમે બીજી વખત આવ્યા છીએ અને ખરેખર એટલું કુદરતી અહીંયા વાતાવરણ સરસ છે કે તમે તમારી જે માનસિક જે થાક છે એ સદંતરામાં ઉતરી જાય। કોરોનાને હિસાબે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઘરે કંટાળી ગયા હતા, એટલે માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે 6 ફેમિલી અહીંયા અમે બધા આવ્યા છીએ। પર્યટન સ્થળો પર પર્યટકોની ભીડ જામે તે સ્વાભાવિક છે। જો કે કોરોનાની 3જી લહેરની આશંકા વચ્ચે ભીડ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે। પર્યટકોએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું પડશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।